शांति, कुछ समय के लिए हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए सारी चीज़ें, वस्तुएं और संकल्पों से समेट ले। अपने आप को एक समुंदर के किनारे पर देखिए। खुला आसमान, विशाल समुंदर, समुंदर से उठने वाली लहरें, पंछियों की गड़गड़ाहट, पवन का भी अनोखा सुर और मनमोहक अतींद्रिय सुख देने वाला बाहरी मौसम। एक गहरी सांस लेंगे इस प्योर और पॉजिटिव वातावरण को महसूस करते हुए। अपने इस रथ, शरीर रूपी रथ को पांव से लेकर मस्तक तक इसी प्योर और पॉजिटिव ऑक्सीजन से चार्ज करते हुए हल्केपन की अनुभूति। अंग अंग रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कोई भी हलचल नहीं। और रथ की मालिक आत्मा अपने मस्तक सिंहासन पर चमकते हुए सितारे के स्वरूप में स्थित। इस चमकते हुए सितारे को अनुभव करिए। अब इस मस्तक सिंहासन पर विराजमान आत्मा को ज्योति स्वरूप में देखिए। दीप की ज्योति जैसे प्रज्वलित होती है, आत्मा की भी प्रकाशमय स्वरूप। और अपने आप को महाज्योति के सामने अनुभव करिए। आत्म ज्योति परमात्म ज्योति को देख रही है और उस परमात्म ज्योति से आती हुई शक्तियों को, किरणों को अनुभव कर रही है। शक्तियों के किरणें सूर्य की चमकती हुई किरणों समान। अपने आप को भरपूर करते हुए परम धाम से सूक्ष्म वतन की ओर आत्म ज्योति परम ज्योति के साथ नीचे की तरफ उतर रही है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते स्वरूप को देखिए और मस्तक में विराजमान महाज्योति शिव बाबा, बाप और दादा कंबाइन हो गए। और मैं आत्मा बाप दादा के सामने वरदानों से झोली भरती हुई शक्तियों और गुणों की टिमटिमाती किरणों में ज्ञान स्नान कर रही। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर, मेरे सर पर रख दिया और मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वशक्ति भव का वरदान देते हुए मुस्कुरा रहे। साथ साथ बाबा के साथ रू रिहान चली और बाबा से सर्वशक्ति का वरदान लेते मन में संकल्प चल रहा कि शक्तियाँ क्या है, कितने प्रकार की है और उसको
सफल कैसे करें। तब बाबा ने मेरे मन को भांपते हुए कहा, चार प्रकार की शक्तियां हैं, मुख्य तन की, मन की, धन की और संबंध की। अलौकिक जीवन, ईश्वरीय जीवन, इन चार शक्तियों से सदा सफल रहता है। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा तन के रूप में आत्मा और प्रकृति की तंदुरुस्ती। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन में कोई भी बीमारी, कोई भी रोग टिक नहीं सकता। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान इस शरीर रूपी रथ को परमात्म किरणों से चार्ज कर रहा हूँ। मेरे तन की सारी बीमारी, सारे कष्ट, सारे कर्म भोग इस किरणों से नष्ट हो रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अपनी कर्मेंद्रियों को परमात्म शक्तियों से काम करा रहा हूँ। मेरा इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन सदा स्वस्थ है और वरदाता बाप से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान मेरी श्रेष्ठ स्थिति से डायरेक्ट परमात्मा द्वारा संतुष्टता और खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। फिर बाबा कह रहे हैं कि अब मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा मेरे हर संकल्प में सदा शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, पवित्रता, सकारात्मक चिंतन, एकाग्र मन। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा मेरे मन के हर संकल्प जन जन के कल्याण के लिए ही बना हुआ है। मैं एक ऐसा स्पिरिचुअल बटरफ्लाई हूँ जिसके मन के संकल्प सारे ब्रह्मांड को परिवर्तन करता है और इसी संकल्प को दृढ़ करते हुए मैं बाप दादा से वायदा करता हूँ कि कभी भी मेरा मन उदास नहीं हो सकता। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सेवाधारी। फिर बाप दादा ने सर पर और हाथ फहराते हुए अपनी शक्तियों को बिखेरते हुए मुझे तीसरी शक्ति के बारे में कह रहे हैं। तीसरी शक्ति है धन की शक्ति, स्थूल धन, और दूसरा है ज्ञान धन। स्थूल धन हमेशा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान पवित्र कार्य में लगाऊंगा। मैं बाबा के भंडारे से ही जब भी धन, स्थूल धन खर्च करूंगा, श्रीमत अनुसार ही बाप दादा से राय लेकर करते रहूंगा। साथ साथ ज्ञान धन
हर संबंध संपर्क में आई हुई आत्मा को ज्ञान धन में बांटते रहूंगा। ये ज्ञान धन ही पद्मा पदमपति राजाओं का राजा बनाने वाला है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ज्ञान धन को बहुत ही अमूल्य समझ व्यवहार में लाते रहूंगा। साथ में अब संबंध की शक्ति सर्व संबंध एक बाप के साथ 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 डबल संबंध देवी परिवार के साथ का संबंध मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग देता रहूंगा। मैं राजयोगी मास्टर सर्वशक्तिवान अलौकिक जीवन में शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप सिद्ध करूंगा। हर आत्मा से हर संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं से मेरा सिर्फ आत्मिक प्यार आत्मिक संबंध बनाए रखूंगा। बाबा ने बहुत ही पावरफुल दृष्टि से मुझे भरपूर और संतुष्ट कर दिया और बाबा को मैं कह रहा हूँ कि एक तुम ही मेरे हो। सर्व संबंध की महसूसता आपसे ही करनी है। क्या बाबा आप मेरे वैलेंटाइन बनोगे? और बाबा ने मुझे बाहों में भर लिया और जैसे सारा सूक्ष्म वतन एक ही सांस में कहने लगा, शिव बाबा इज योर वैलेंटाइन, शिव बाबा इज योर वैलेंटाइन, शिव बाबा इज योर वैलेंटाइन। अपने आप को बहुत भरपूर और भाग्यवान अनुभव करते बाप दादा से रेड रोज स्वीकार करते हुए वैलेंटाइन वीक की शुरुआत की शुभकामना देते हुए संतुष्ट और हर्षित भाव का वरदान लेते हुए अपने आप को बाबा के साथ कंबाइन देखते हुए मैं अपने मस्तक सिंहासन पर वैलेंटाइन डे की बधाई लेते बाप दादा से हुआ अनुभव को सराहते हुए मस्तक सिंहासन पर स्थित हो जाती हूँ। इस अनुभव को सारे दिन में याद कर कर दोहराते रहेंगे और अब मैं आत्मा बहुत ही चार्ज बहुत ही पावरफुल अपने आप को देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। बाबा इज माई ट्रू वैलेंटाइन, आई एम सो लकी टू हैव बाबा इन माई लाइफ। आई लव यू शिव बाबा, आई लव यू शिव बाबा।